सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, हम बात कर रहे थे टेंसेस के बारे में। आपको बताया कि हमारे टेंस देखो प्रेजेंट पूरा हो गया, पास्ट में हमारा चल रहा है ये वाला कौन सा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम अफर्मेटिव नेगेटिव की बात कर चुके हैं। थोड़ा मैंने आपको इंटरोगेटिव के बारे में बताया था। अब अच्छे से देखो, आप अच्छे से दोबारा इसको देखो। इंटरोगेटिव में आपको याद है कि हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर याद रखना है हमारा। हमारा स्ट्रक्चर क्या है देखो, यहाँ पे ये हमारा पैटर्न था कि पहले क्या कर रहे थे हम, अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट ला रहे थे, बाद में हम एच वी ला रहे थे हेल्पिंग वर्ब, फिर ला रहे थे हम वर्ब, उसके बाद ला रहे थे हम ऑब्जेक्ट, फिर इस प्रकार से सेंटेंस बढ़ता हुआ चला जा रहा था। लेकिन अब क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। कैसे, जैसे लिखा हेड, फिर लाएंगे सब्जेक्ट, फिर लाना है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, परफेक्ट कैसा भी हुआ, प्रेजेंट का हुआ, पास्ट का हुआ या फ्यूचर का हुआ, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। फिर लाओगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लाओगे भाई, अगर सेंटेंस बच जाए तो पीछे ईटी से लगा देंगे। आ रही है बात समझ में। देखो जैसे लिखा आपके लिए, क्या क्या आप, क्या आप पिछली रात पार्टी में खाना खा चुके थे। अब देखो इंटरोगेटिव का सेंटेंस कैसे बनाओगे। सबसे पहले देखो आप क्या से वाक्य स्टार्ट होगा, चुका था, चुकी है, कंप्लीट आपके पास आ गया, इसका मतलब कहाँ चले गए आप इसमें, यानी कि पास्ट परफेक्ट के इंटरोगेटिव में। देखो इधर पहले क्या लाएंगे, हेड, रखिए हेड, रख दिया हमने। फिर लाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आप है, आपको बोलते हैं यू, बोलते ना। अब देखो यू के बाद में लाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लाओ खा चुके थे, इसका मतलब ईटन। क्या खाया भाई, खाना खाया, इसका मतलब फूड, ईटन फूड। कब खाया, पिछली रात, यानी कि लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। और कहां पर, पार्टी में, इन द पार्टी, ऐसे लिख देंगे, हो गया आपका सेंटेंस। पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसी का आप इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे दोनों साथ सीखो। यहां पर क्या करोगे, थर्ड स्थान पे नोट लगा दोगे, बन गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। आ रही बात समझ में, यानी कि आप जब जब थर्ड स्थान पे नोट लगाओगे वो इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। देखो क्या आप, जैसे और सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे लिखा आपके लिए, क्या वे वहां पहुंच चुके थे। अब देखो क्या वे वहां पहुंच चुके थे, सबसे पहले वे लाओ, वे के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखो हेड तो लाना है आपको, एक सुविधा इसमें आपको, इसमें ये ढूंढने की आवश्यकता नहीं कि सिंगुलर क्या है प्लूरल क्या है, उसके अनुसार एन की हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। दोनों में हेड ही आती है, सिंगुलर में वही आएगी और प्लूरल में वही आएगी, इसका मतलब हेड तो आपने लगा दिया। अब लाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे, दे लिखो, फिलहाल वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुंच चुके थे, रीच्ड है ना, ऐसे आ जाएगा रीच्ड। कहाँ पर, वहाँ, वहाँ को बोलते हैं देयर। ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क लगा दो। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो क्या वे वहाँ नहीं पहुँच चुके थे, तो क्या करोगे, इस स्थान पे, थर्ड स्थान में दे के बाद नोट लगा दो, बन गया आपका सेंटेंस। आ रही है बात समझ में। तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव ऐसे बनाए जाते हैं। आइए डब्ल्यू एच वर्ड भी देख लेते हैं। देखो इधर डब्ल्यू एच वर्ड कैसे बनाएंगे। अब डब्ल्यू एच बनाने का सबसे आसान तरीका है आपके लिए कि जो आपका इंटरोगेटिव का पैटर्न है, किसका है भाई, इंटरोगेटिव का, उसके आगे आप डब्ल्यू एच लगा दो ऐसे कैसे। ये देखो लगाया, अब डब्ल्यू एच लगाया, उसके बाद हेड लाना है, फिर सब्जेक्ट लाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। आ रही है बात समझ में। और क्वेश्चन मार्क लगाना है, देखो कैसे। अब आप जानते हो डब्ल्यू एच में क्या क्या लाते हैं हम, या तो लाएंगे व्हाट, या लाएंगे व्हाई, या लाएंगे वेयर, या लाएंगे वेन,
या लाएंगे हाउ, इस प्रकार से लाएंगे हम, लाएंगे ना। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा आपके लिए, राहुल कहाँ जा चुका था, राहुल कहाँ जा चुका था, ध्यान रखना है इसमें परफेक्ट पास्ट में क्या आता है, था आता है पीछे, चुका था, अगर चुका है आ गया तो किसमें चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे, चुका था या आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अरे बात समझ में, तो देखो राहुल कहाँ जा चुका था, सबसे पहले बात डब्ल्यू एच ढूंढो, कहाँ, कहाँ को क्या बोलेंगे, वेयर। आगे बात समझ में, फिर क्या लाओगे, हेड, रखो हेड, फिर लाना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राहुल, राहुल लिख दीजिए, राहुल के बाद मिला वर्क की थर्ड फॉर्म, जा चुका था, जाने को क्या बोलते हैं, गो, सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेन, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन, ऐसे लिख देंगे गॉन, और लगाओ लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया आपका सेंटेंस। इसी प्रकार से आप बनाते हुए चलिए, आप समझ रहे हो, देखो जैसे दिया आपके लिए, आपने आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया था, ऐसे आगे मान लीजिए, आपने ऐसा क्यों किया था, तो सबसे पहले क्या करोगे, क्यों लाइए, वाई, फिर लाओ एच बी हेड, फिर आपने यू, फिर किया डन, फिर ऐसा सच, बन गया आपका सेंटेंस, लगाओ क्वेश्चन मार्क पीछे, ऐसे बन जाएगा। अरे ये बात समझ में, तो हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव का डब्ल्यू एच बनाते हैं ना, ऐसे बनाएंगे, पहले डब्ल्यू एच लाएंगे, बाद में एच भी लानी है, वर्ब की फिर सब्जेक्ट लाना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, लास्ट में क्या लगाओ, क्वेश्चन मार्क। आ रही बात समझ में, अब देखो आगे, अब देखते हैं करेक्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, करेक्ट फॉर्म इसकी जो हमारे एग्जाम में आएगी वो कैसे करेंगे, छोड़ा रही हूँ, देखो आगे इतना मिटाते हैं, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट क्या बना रहे हैं हम, करेक्ट फॉर्म क्या बनाएंगे भाई, करेक्ट फॉर्म बनाएंगे, यानी कि सही वर्ब बननी है हमें, किस टेंस की, पास्ट परफेक्ट की। देखो ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखा आप, तो यदि बिफोर या आफ्टर, आफ्टर के पहले या आफ्टर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, फॉर्म हो, तो बिफोर या आफ्टर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगी, इस बात का ध्यान रखना। क्या याद रखोगे कि यदि मान लीजिए आपके पास बिफोर आ गया या आफ्टर आ गया, अरे बात समझ में, उसके बाद में क्या रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, आई मीन पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, तो ऐसे हालात में क्या होगा कि बिफोर आफ्टर से पहले जो आएगा उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसका मतलब समझे आप, इसमें दो बातें चलती है, एक चलेगी पास्ट परफेक्ट की, दूसरी चलेगी पास्ट सिंपल की। आ रही बात समझ में, देखो कैसे लिखा, जैसे मैंने लिखा द ट्रेन, फिर दिया यहाँ पे गो, बिफोर I reached the station। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास क्या आ गया, बिफोर।